हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरा चौहान और यहाँ हम कर रहे हैं दृष्टि आईएएस की क्विक बुक, जिसमें हमारा चल रहा है भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था एंड गवर्नेंस, चैप्टर नंबर 10, जो कि है कार्यपालिका यानी कि द एग्जीक्यूटिव। तो गाइस, बाकी चीज़ें आप मेरा यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं, टेलीग्राम पेज का लिंक दे रखा है, वहाँ से आपको कुछ हेल्प मिल सकती है, लाइक पीडीएफ रिलेटेड या कोई भी क्वेरी आपकी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो गाइस, चैप्टर नंबर 10 हमारा चल रहा था कार्यपालिका। कार्यपालिका में देखिए, हम दो चीज़ों की बात करते हैं यहाँ पे, संसदीय सरकार की व्यवस्था में, एक संघ की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, और उसमें भी हमने स्टार्ट किया था संघ की राज्यपालिका में। सबसे पहले हम लोगों ने किया था राष्ट्रपति, अब हम कर रहे थे उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। तो दोस्तों, अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। और गाइस, एक चीज़ ये कि अगर आप लोग घटना चक्र की वीडियोस करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप घटना चक्र की वीडियोस मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी जो हम लोग कर चुके हैं उससे आगे की बात करते हैं। देखिए, हम लोगों ने लास्ट चैप्टर जो लास्ट हम वीडियो बनाया था वहाँ पर, यहाँ पर हमने छोड़ दिया था। अभी हम जो उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे तो उसकी शक्तियों कार्य की बात करेंगे। चलिए ये देखें क्या है। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ 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 जरूर करिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ लिखा है कि जो राज्यसभा, देखिए उपराष्ट्रपति क्या होता है ना, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है। जैसे लोकसभा में कौन होता है, स्पीकर होता है, अध्यक्ष होता है, वैसे ही राज्यसभा में क्या होता है, सभापति। तो पदेन सभापति कौन होता है, जो हमारा उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा में, ठीक है। अच्छा, उसकी जो शक्तियाँ होती है और जो उसके कार्य होते हैं, वो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है ना, उसी की तरह होते हैं। मतलब ये हो गई हमारी लोकसभा, ये हो गई हमारी राज्यसभा, राज्यसभा में लोकसभा में हमारे पास क्या होता है, अध्यक्ष होता है, और राज्यसभा में पदेन सभापति, यानी कि दोनों की शक्तियाँ और कार्य एक जैसे होते हैं, ठीक है। अब इसने लिखा है कि राष्ट्रपति के रूप में जब उपराष्ट्रपति को कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है, सपोज मान लीजिए राष्ट्रपति इस वक्त नहीं है किसी कारण से, तो अब राष्ट्रपति की जगह कौन बैठेगा, उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति जब काम करता है राष्ट्रपति के रूप में, तो वह जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। यानी इसने कहा कि जब राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो उपराष्ट्रपति को कैसा, क्या कहा जाएगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति, ठीक है। तो राज्यसभा के सभापति के रूप में अब वो काम नहीं करेगा, जब वो राष्ट्रपति के रूप में करेगा, ठीक है। यानी कि आप मान लीजिए यहाँ पे है प्रेसिडेंट, ये है हमारी राज्यसभा, यहाँ पे है हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट यानी कि सभापति। अब सपोज कि प्रेसिडेंट हमारे पास इस वक्त है नहीं, तो ये जाएगा यहाँ पे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरह काम करेगा। अब भैया यहाँ पे ना, जो ये राज्यसभा का सभापति था वो मतलब अब वो उस पद पर नहीं माना जाएगा, राज्यसभा का सभापति पद नहीं माना जाएगा। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वह अधिकतम 6 महीने की अवधि तक काम कर सकता है, क्योंकि तब तक क्या होगा, राष्ट्रपति का नया चुनाव हो जाएगा, नया राष्ट्रपति आ जाएगा। यानी कि मैक्सिमम 6 महीने तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर काम कर सकता है। चलो, अब इसने लिखा है जो उपराष्ट्रपति है ना, उसकी परिलब्धियाँ क्या हैं। देखिए, संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए परिलब्धियों की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। उसे जो वेतन मिलता है वे राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है उस पर मिलता है, ठीक है। मतलब देखिए, उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ नहीं लिखा, जो उपलब्धियाँ परिलब्धियाँ हैं उसके बारे में कुछ नहीं लिखा। वेतन कैसे मिलता है, क्यों, क्योंकि वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उसका वेतन इसे उपराष्ट्रपति को मिलता है। तो इसने कहा जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरह काम करता है, तो उसको जो वेतन भत्ता मिलता है वो राष्ट्रपति वाला मिलता है, क्यों, क्योंकि अभी वो राष्ट्रपति की तरह काम कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते, मतलब उसे उपराष्ट्रपति पद के नाम पे तो कुछ नहीं मिल रहा है, एक उसे मिला है राज्यसभा, जब वो राज्यसभा का पदेन सभापति, या वो जब राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहा है, तो इनका हिसाब से मिल रहा है वेतन, वेतन भत्ते। अब लिखा अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा भारत का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा होता है। यानी कि अगर चुनाव में कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा कौन कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट, और जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे दे उसे ही अंतिम मान लिया जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसने कहा उपराष्ट्रपति के चुनाव को न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचन मंडल क्या है, अपूर्ण है। मतलब इसने कहा कि अगर निर्वाचन मंडल में कोई सदस्य की जगह खाली है, रिक्त है, ठीक है, तो ये अपूर्ण हुआ, ठीक है। तो भैया अब क्या हो रहा है, उपराष्ट्रपति का अगर चुनाव हो रहा है तो हम इसलिए उसको मतलब उसकी जो उसके निर्वाचन को हम चुनौती इसलिए नहीं दे सकते कि जो ये निर्वाचन मंडल पूर्ण नहीं है, ठीक है। यदि न्यायालय द्वारा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को अवैध घोषित किया जाता है तो इस घोषणा से पूर्व उपराष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य जो है अवैध घोषित नहीं होंगे और जो है प्रभावी बने रहेंगे। मतलब इसने कहा ये रहा उपराष्ट्रपति, उसका पद काम कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। यहाँ न्यायालय ने कहा कि ये पद जो है अब आपका क्या हो गया, अवैध है, मतलब अवैध तरीके से आप आए हो। तो भैया उपराष्ट्रपति ने अभी की तारीख तक जो भी काम किए हैं पिछले,
वो सारे जो है इसने कहा अवैध घोषित नहीं होंगे, मतलब उसे माना जाएगा ये प्रभावी रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोट देखिए क्या लिखा, उल्लेखनीय है कि भारत में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति केवल 6 महीने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, जब तक कि नया राष्ट्रपति ना आ जाए। ठीक है, जबकि अमेरिका में क्या होता है, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उसके शेष कार्यकाल की अवधि तक क्या होता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर बना रहता है। मतलब भारत में क्या कहा कि प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, अमेरिका में भी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है। भारत में अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो उपराष्ट्रपति 6 महीने, मैक्सिमम 6 महीने तक राष्ट्रपति बनाता है की तरह काम करेगा, तब तक चुनाव हो जाएंगे और नया राष्ट्रपति आ जाएगा। लेकिन अमेरिका में ऐसा है कि ये प्रेसिडेंट है, ये वाइस प्रेसिडेंट है, इसने कहा अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो उपराष्ट्रपति क्या करेगा। सपोज कि 5 साल का पीरियड है आपका प्रेसिडेंट का, उसने 2 साल के बाद ये गायब हो गया, प्रेसिडेंट कहीं चला गया, मर गया या अपने पद से चला गया, तो अब बचे हुए 3 साल के लिए कौन रहेगा, वाइस प्रेसिडेंट रहेगा। ठीक है, भारत में 6 महीने, मैक्सिमम 6 महीने तक, लेकिन अमेरिका में अगला बचा हुआ जितना भी समय है तब तक रहेगा वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा, उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ आर्टिकल्स देख लेते हैं। देखिए ये जो भारत में उपराष्ट्रपति का पद कौन से आर्टिकल से आ रहा है, 63, आर्टिकल नंबर 63। ठीक है, उपराष्ट्रपति क्या है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इंपॉर्टेंट बात है। ये किस आर्टिकल से आ रहा है, 64 से हो रहा है। ठीक है, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण करना 69 से, कोई नहीं पूछेगा खास। उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करना, ये पूछ सकता है, 70 से आ रहा है। ठीक है, 70, मतलब इससे क्या है, ये राज्यसभा का पद, इसमें क्या 64 में क्या है, राज्यसभा का पदेन सभापति है, और 70 में क्या है, जब राष्ट्रपति नहीं है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरह जो काम कर रहा है। अच्छा, उसके बाद इसने कहा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जितने भी मामले हैं 71 में, ये भी खास कोई नहीं पूछेगा, मतलब ये आर्टिकल कोई खास नहीं पूछेगा। चलिए, भारत के उपराष्ट्रपति, जैसे मैंने कहा था कि भारत के राष्ट्रपति याद रखिएगा, वैसे ही कुछ जो है ना भारत के उपराष्ट्रपति भी आपको याद रखने पड़ेंगे। देखिए, तो इसमें पहला जो उपराष्ट्रपति आया था वो आए थे कौन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ठीक है, दूसरे में जाकिर हुसैन, ये भी इंपॉर्टेंट है। तीसरे बीवी गिरी, याद रखिएगा, थर्ड नंबर तक। फोर्थ में है एस पाठक, याद हो जाए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। फिफ्थ वाला भी याद हो जाए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। सिक्स वाला है आपका एम हिदायतुल्ला, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। वेंकट रमन भी याद रखिएगा। सेवन्थ नंबर, एट नंबर शंकर दयाल शर्मा है। नाइन्थ नंबर आर नारायण है। 10th नंबर पे है कृष्णकांत। 11th नंबर पे है शेखावत, बी एस शेखावत है। और 12वें नंबर पे है मोहम्मद हामिद अंसारी। और 13वें नंबर पे है एम वेंकैया नायडू। ठीक है, ये याद रखिएगा गाइस। ठीक है, मतलब देखिए सब याद रखने की खास कोई ज़रूरत नहीं, पहला याद रख लीजिएगा आप, लास्ट वाले याद रख लीजिएगा बस। उपराष्ट्रपति कौन इतना पूछेगा, नहीं पूछेगा। अब देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने जो हम पढ़ रहे हैं गाइस, फिर से ऊपर चलते हैं तभी हम सही से समझ पाएंगे। देखिए, जब हमने यहाँ पे देखा था ना ये चार्ट, तो हम पढ़ रहे थे संघ, अभी हमारा जो चल रहा है वो है संघ की कार्यपालिका, राइट। तो इसमें ये कैसे बनी है, राष्ट्रपति से बनी है, उपराष्ट्रपति से बनी है। अब देखिए, अब बनी, देखिए तो उसमें हमने राष्ट्रपति पढ़ लिया, उपराष्ट्रपति पढ़ लिया, अब हमारा नंबर आया है प्रधानमंत्री का। चलिए, अब प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ लिखा है भारत का प्रधानमंत्री, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इसने लिखा है संसदीय शासन व्यवस्था जो हमारी है, हम जानते हैं उसमें क्या है, राष्ट्रपति है, शासन का संवैधानिक प्रधान होता है राष्ट्रपति। क्या है, संवैधानिक प्रधान है राष्ट्रपति। ठीक है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि इसने कहा कि राष्ट्रपति के नाम से ना संघ का शासन चलता है, जितने भी काम होते हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। लेकिन राष्ट्रपति क्या है, संवैधानिक प्रधान है, लेकिन प्रधानमंत्री शासन का प्रशासनिक प्रमुख होता है, जो शक्तियों का क्या है, वास्तविक प्रयोग करता है। मतलब ये तो नाम मात्र का होता है, जो वास्तविक प्रधान होता है ना वो कौन होता है, आपका प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 75(1) राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान करता है, अर्थात राष्ट्रपति संसदीय व्यवस्था के अनुसार लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। मतलब समझिए यहाँ पे कि सपोज इलेक्शन हुए, अभी 2024 में इलेक्शन होंगे, सपोज कोई एक पार्टी जीत जाती है, हमने कहा बीजेपी ही जीत जा रही है। ठीक है, मतलब ये क्या है, आपकी एक बहुमत वाला दल है, ठीक है, जीत गए, यहाँ बैठे हैं हमारे प्रेसिडेंट, अब इनमें से किसी एक को प्रधानमंत्री बनाना है, ये काम कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति संसदीय व्यवस्था के अनुसार लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त दल है उसके नेता को क्या बनाता है, प्रधानमंत्री बनाता है। ठीक है, ये सब हम कहाँ देख रहे हैं, आर्टिकल नंबर 75(1) में देख रहे हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है 75(1), याद रखिएगा। इसने कहा अगर सपोज कोई दल ऐसा है, कोई भी दल ऐसा है जिसको स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है,
तब राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करता है और जो सबसे बड़ा दल है उसके नेता को बुलाता है और प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है। ठीक है, इसके लिए शर्त क्या है? शर्त यह है कि नियुक्त प्रधानमंत्री को 1 महीने के भीतर क्या है, सदन में विश्वास मत हासिल करना है। मतलब समझो, हमने कहा कि 500 सीट है, ठीक है, हमें 250 सीट चाहिए थी एक दल बनाने के लिए, सरकार बनाने के लिए, ठीक है, नहीं हो पाई, किसी के पास नहीं हो पाती, नहीं हो पाई। तो अभी एक ऐसा दल है जिसके पास ना 230 सीट्स है, ठीक है। तो राष्ट्रपति ने कहा कि इसके दल के नेता को क्या करो, प्रधानमंत्री बना दिया। लेकिन देखिए, हमें चाहिए थी 250, है कितनी, 230, ठीक है। लेकिन अब क्या है ना, उसको जो है उन्होंने 1 महीने का टाइम दे दिया। राष्ट्रपति ने कहा 1 महीने के अंदर आप सदन में विश्वास मत हासिल कर लीजिए। अगर उसने 1 महीने के भीतर इस पार्टी ने विश्वास मत हासिल कर लिया तो वही पार्टी जो है सरकार बनाएगी, वही प्रधानमंत्री बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मतलब 1 महीने का टाइम दे दिया। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, इसमें लिखा है 1997 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि वह व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकेगा जो 6 महीने के अंदर संसद के किसी सदन की सदस्यता प्राप्त कर ले। यानी कि सपोज कि राष्ट्रपति ने किसी एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया जो अभी संसद का पार्ट नहीं है, ना लोकसभा का ना राज्यसभा का। इस बंदे को बना तो दिया, लेकिन एक शर्त इसमें ये रखी है कि बंदे को, ये जो बंदा प्राइम मिनिस्टर बना है, उसको अगले 6 महीने के अंदर क्या करना है, सदन, संसद का कोई भी एक ऐसा सदन है जिसकी सदस्यता प्राप्त कर लेनी है अगले 6 महीने के अंदर। चाहे अब उसे ये करना पड़े कि अपनी पार्टी से किसी आदमी को निकाल के अपना घुस जाए, या कुछ भी, किसी भी तरह उसे 6 महीने के अंदर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बन जाना होगा। देखिए, मतलब ये वाली जो बात है ना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाइस, कि मतलब एक वो व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है जो अभी ना लोकसभा का सदस्य है ना राज्यसभा का सदस्य है। जो राष्ट्रपति इसको प्राइम मिनिस्टर बना सकता है, लेकिन शर्त है कि उसे 6 महीने के भीतर लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक की सदस्यता ले लेनी होगी, चाहे जैसे ले। अब देखिए यहाँ लिखा है, संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, परंतु संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत अगर परंपराओं की बात करें तो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। मतलब इसने ये कहा कि हमारे संसद में दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, राज्यसभा। अब हम अगर बात करें प्रधानमंत्री की, प्राइम मिनिस्टर की, तो वो बंदा लोकसभा से भी आ सकता है, चाहे राज्यसभा से भी आ सकता है, किसी से भी आ जाए। लेकिन परंपरा क्या चली जा रही है, मैक्सिमम जो प्रधानमंत्री है वो लोकसभा से ही आए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है, वे प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी प्रधानमंत्री बने। अब उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे प्रधानमंत्री भी बने हैं जो राज्यसभा के से आए हैं, जैसे इंदिरा गांधी राज्यसभा की सदस्य थी 1966 में, ठीक है। उसके बाद बात करें तो एच डी देवेगौड़ा, ये भी राज्यसभा के थे। मनमोहन सिंह की बात करें 2004 में या 2009 में, तो भी ये भी जो है राज्यसभा के ही सदस्य थे। तो गाइस ये तीनों नाम याद रख लीजिएगा। इस इनके अलावा जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं वो सब लोकसभा से आए हैं, ठीक है। अब इसने कहा, ब्रिटेन जैसे संसदीय शासन व्यवस्था वाले देश में प्रधानमंत्री सिर्फ क्या है, निम्न सदन यानी कि हाउस ऑफ कॉमन से का सदस्य होता है। मतलब इसने कहा ब्रिटेन में क्या होता है, जो प्रधानमंत्री होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ जैसे भारत में लोकसभा है वैसी वहाँ पे क्या है, हाउस ऑफ कॉमन्स, यहीं से आता है, ठीक है। हाउस ऑफ लॉर्ड बोलते हैं, जो राज्यसभा, जैसे भारत में राज्यसभा है ना, वैसे उनके यहाँ होती है हाउस ऑफ लॉर्ड। तो यहाँ से प्रधानमंत्री नहीं आता है ब्रिटेन में, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा जैसे यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स यानी कि निम्न सदन से ही आता है। अच्छा, हमारे में निम्न से भी आ सकता है, उच्च सदन से भी आ सकता है। अब देखिए, प्रधानमंत्री की शपथ के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, यानी कि राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक है। सॉरी, लिखा है, प्रधानमंत्री जहां एक तरफ भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा की प्रतिज्ञा लेता है, वहीं दूसरी तरफ भारत की संप्रभुता, अखंडता को अक्षुण बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त करता है। साथ ही भय, पक्षपात, द्वेष आदि के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करने का भी वचन देता है। तो गाइस ये कहानी जो है ना, कोई पूछ नहीं रहा इसमें क्या लिखा है, मतलब ये बात है जो शपथ ले रहा है क्या ले रहा है, ठीक है। आप एक बार पढ़ लीजिएगा, मन करे तो, नहीं मन करे तो मत पढ़िएगा। अब देखिए, यहाँ प्रधानमंत्री की पदावधि की बात करते हैं, ठीक है। मतलब देखिए, प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त कर रहा है, राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक जो है प्रधानमंत्री बना रहता है, यानी कि राष्ट्रपति जब चाहे प्रधानमंत्री को हटा सकता है, ठीक है।
हाँ ऐसा होता नहीं है, लेकिन इसका यही मतलब होता है, ठीक है। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रधानमंत्री को जब चाहे तभी जो है बर्खास्त किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, ऐसा है नहीं। मतलब ये बात लिखने का मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति कभी भी इसको हटा प्रधानमंत्री को हटा सकता है। हाँ राष्ट्रपति ऐसा तभी कर सकता है जब प्रधानमंत्री जो है ना लोकसभा में अपना बहुमत खो दे, तब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया प्रसाद पर्यंत, ठीक है। अब इसने कहा इसके अलावा प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने साल का हम मानते हैं, 5 साल का मानते हैं, और उससे पहले भी जो है ना प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे सकता है और अपना पद छोड़ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, है ना। वैसे हम जानते हैं 5 साल का होता है, त्यागपत्र देना चाहे तो कभी भी दे सकता है। तो ऐसी स्थिति में पूरे मंत्रिपरिषद को बर्खास्त होना पड़ेगा। मतलब यानी कि इसने कहा एक होता है ना मंत्रिपरिषद होता है, पूरा ये मंत्रिपरिषद है उसमें बड़े सारे मंत्री होते हैं, ठीक है। और क्या होता है डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे हो गया हमारा प्राइम मिनिस्टर, ये भी मंत्री हो गया एक तरीके से। अगर इस बंदे ने यानी कि इस प्राइम मिनिस्टर ने त्यागपत्र दे दिया तो भैया हमारी पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद खत्म। यदि प्रधानमंत्री का निधन हो जाए तो पूरी मंत्रिपरिषद बर्खास्त तो हो जाती है, मतलब बेचारा प्रधानमंत्री मर भी जाए ना तो भी मंत्रिपरिषद खत्म। यानी कि मंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र पर ऐसा नहीं होता है। हाँ ये क्या लिखा है, हमने अभी प्रधानमंत्री की मृत्यु और त्यागपत्र की बात करी, जैसे ही प्रधानमंत्री मृत्यु हो जाए तो मंत्रिपरिषद खत्म, त्यागपत्र दे दे तो भी मंत्रिपरिषद खत्म। लेकिन अगर जो मंत्रिपरिषद में मंत्री होते हैं ना प्रधानमंत्री को छोड़कर, उनकी मृत्यु होती है या वो त्यागपत्र देते हैं तो मंत्रिपरिषद खत्म नहीं होती, मतलब ये चलती रहती है। भैया मंत्री बन गया कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। सामान्यतः प्रधानमंत्री को वही वेतन भत्ते मिलते हैं जो संसद के सदस्यों को मिलते हैं, यानी कि एमपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उसके जो वेतन भत्ते होते हैं वही प्रधानमंत्री के होते हैं। इसके अलावा व्यय विषयक भत्ता, स्वास्थ्य सुविधा आदि, ये सब जो है प्रधानमंत्री को मिला होता है, कोई नहीं पूछ रहा। इतना समझिए कि वेतन भत्ते वही होते हैं जो एमपी सारे एमपीज के होते हैं, वही प्रधानमंत्री के होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रधानमंत्री की शक्तियां, उसके कार्यों की बात करते हैं। देखिए भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री की शक्तियों का कोई उल्लेख नहीं है कि प्रधानमंत्री के पास क्या शक्ति है, परंतु राष्ट्रपति की शक्तियों का तो उल्लेख है। इसलिए व्यवहारिक रूप में प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति की शक्तियों का ही प्रयोग किया जाता है। मतलब नॉर्मली अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री की शक्तियाँ वही हैं जो राष्ट्रपति की है। प्रधानमंत्री की शक्तियों की बात करते हैं, उनके कार्यों की बात करते हैं। तो अब देखिए पहला इसने लिखा है प्रधानमंत्री का मंत्री परिषद के संदर्भ में यानी कि नीति निर्माता के रूप में देखेंगे शक्तियाँ इसकी प्रधानमंत्री की। तो इसने कहा प्रधानमंत्री एक मंत्री होता है बिल्कुल, परंतु वह अपने समकक्ष मंत्रियों में प्रधान होता है। मतलब हमने कहा है ये एक पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद है, ये एक बंदा है, ये एक बंदा है, ये एक बंदा है, बड़े सारे मंत्री हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये हो गया अपना प्रधानमंत्री, हमने कहा ये सारे भी मंत्री हैं, ठीक है, ये भी सब मंत्री हैं, ये भी मंत्री है, ठीक है, हमने कहा ना प्रधानमंत्री मंत्री। लेकिन अपने समकक्षों में मतलब अपने जैसों में ये क्या हो जाता है, प्रधान हो जाता है, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग इतनी सी बात। आगे बढ़ते हैं। अब इसने कहा कि मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित कर प्रधानमंत्री उनके कार्यों की प्रगति को देखता है। मतलब अब जितने भी मंत्री हैं मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद में, उनको ये क्या करता है प्रधानमंत्री अलग अलग क्या करता है मंत्रालय दे देता है ना, और फिर उनके कार्यों को देखता है वो सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अच्छा प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की क्या करता है, अध्यक्षता करता है और उचित दिशा निर्देश देता है। यानी कि जो मंत्रिपरिषद है जिसमें मंत्री और प्रधानमंत्री सब होते हैं, उसकी बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहा है, प्रधानमंत्री कर रहा है। प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने, राष्ट्रपति से उसको बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। मतलब प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों में कह सकता है भैया तुम त्यागपत्र दो, या प्रेसिडेंट के पास जाके कह सकता है कि भैया इस वाले मंत्री को करो बर्खास्त। प्रधानमंत्री स्वयं त्यागपत्र देकर पूरी मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है, मतलब खुद अगर त्यागपत्र दे देगा मंत्रिपरिषद खत्म। प्रधानमंत्री और उसकी जो मंत्रिपरिषद है मिलकर क्या है, नीति निर्धारक की अहम भूमिका का निर्वहन करते हैं, नीति निर्धारण करते हैं, नीतियां बनाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे राष्ट्रपति के संबंध में अगर प्रधानमंत्री की शक्तियों की बात करें तो गाइस यहाँ पे देखिए लिखा है क्या, इतने का संघ के प्रशासन विधान से संबंधित ऐसी सूचनाओं को, फिर से देखते हैं गाइस, इसमें लिखा है संघ के जो संघ के प्रशासन और विधान से संबंधित ऐसी सूचनाओं को प्रदान
करे जिसकी राष्ट्रपति मांग करे, ठीक है, मतलब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मांग कर सकता है, ठीक है, कुछ ऐसी सूचनाओं का। तो इसने सेकंड इसमें लिखा है, ऐसा कोई विषय जिस पर किसी मंत्री ने, देखिए इस सब हम अभी पढ़ चुके हैं पहले भी, वही रिपीट हो रहे हैं। तो इसमें लिखा है, ऐसा कोई विषय जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु क्या है मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति की अपेक्षा अनुसार उस विषय को प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद के सामने रखे। तो गाइस ये हम 2 बार पढ़ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। और कौन सा है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह और परामर्श देकर विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति करता है, ठीक है। मतलब बहुत सारे अधिकारियों की नियुक्ति कौन कर रहा है, राष्ट्रपति कर रहा है, किसकी सलाह परामर्श पे, प्रधानमंत्री की, ठीक है। जैसे भारत का महान्यायवादी हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो गया, आपका संघ लोक सेवा आयोग जो यूपीएससी उसके अध्यक्ष हो गए, उसके सदस्य हो गए, या हम बात करें वित्त आयोग उसके अध्यक्ष और उसके सदस्यों की बात, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई राष्ट्रपति के संबंध में, ठीक है। तो गाइस अब देखिए संसद के संबंध में हम देखते हैं, तो अब प्रधानमंत्री की शक्तियां देखिए गाइस क्या है, कि प्रधानमंत्री जो है लोकसभा का क्या होता है, नेता होता है, इंपॉर्टेंट बात हो गई। राष्ट्रपति को सत्र आहूत करने का या सत्र सत्रावसान करने से संबंधित ये क्या करता है, परामर्श देता है। मतलब हालांकि करता राष्ट्रपति है, लेकिन परामर्श जो है प्रधानमंत्री दे सकता है, देता है, ठीक है। फिर इसने कहा कि लोकसभा के विघटन की सिफारिश जो है आपका प्रधानमंत्री द्वारा किसी समय राष्ट्रपति से की जा सकती है, यानी कि अगर प्रधानमंत्री चाहे कि लोकसभा को विघटित कर दिया जाए तो वो ये जो है ना ये किसको कहेगा, राष्ट्रपति को कहेगा, और राष्ट्रपति ये काम कर देगा। प्रधानमंत्री सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है, ठीक है, और विपक्ष द्वारा उचित दिशा निर्देश जो वे ठीक समझे उसको शामिल करने का प्रयास करता है। कुछ नीतियां बनाई है उसकी घोषणा कौन कर रहा है, प्रधानमंत्री कर रहा है सभा पटल पर। दूसरा, अगर विपक्ष उसमें कुछ दिशा निर्देश देता है और प्रधानमंत्री को ठीक लगता है तो वो उन नीतियों में उसको ऐड कर सकता है, ठीक है। लोकसभा में वह जो है विपक्षी दल की बातों को सुनकर जनता की इच्छाओं के अनुरूप कार्य करने की नीति अपनाता है, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है भाई। अन्य शक्तियां भी देखिए प्रधानमंत्री की, देखिए प्रधानमंत्री जो है ना नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, ठीक है, यानी ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। इसके साथ अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतरराज्यीय परिषद हो गई आपका, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद हो गया, राष्ट्रीय एकता परिषद, इनका भी अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो गैस ये वाली पूरी जो लाइन मतलब पैराग्राफ है इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रधानमंत्री किस किस आयोग का अध्यक्ष है। तो एक बार आप और पढ़ लीजिएगा चारों के चारों, पांच चार पांच जो भी है, ठीक है, सब इंपॉर्टेंट है। अब देखिए प्रधानमंत्री एक तरफ जहां केंद्र सरकार का मुखिया होता है तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्र की विदेश नीति को भी मूर्त रूप प्रदान कर देश के जो विकास है उसको समुचित अवसर प्रदान करता है, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है, प्रधानमंत्री सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। चलिए ये बात भी एक इंपॉर्टेंट सी हो गई, ठीक है। आगे, आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का सर्वे सर्वा कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। आप आपातकाल के टाइम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए भारत के प्रधानमंत्री कौन कौन रहे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है गाइस, इस लिस्ट को 2-3 बार जरूर देखिएगा, एटलीस्ट आपको लोग को पता होना चाहिए कि कौन कौन रहे प्रधानमंत्री। देखिए जो सबसे पहले प्रधानमंत्री है 1947 से लेकर 64, यानी अच्छा खासा टाइम पीरियड इन्होंने यहाँ पे दिया है, 5-5 साल अगर आप ऐड करते जाएं, ठीक है, तो वो हैं जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, 47, 57, फिर 64, यानी कि दो तीन तीन बार तो बन ही गए। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या होता है ना, 1964 में ना जवाहरलाल नेहरू की जो होती है मृत्यु होती है, तो तुरंत देखिए कार्यवाहक है, अगर आप इसको नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा, ठीक है। तो कार्यवाहक बने क्यों, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है तो गुलजारीलाल नंदा बनते हैं, ठीक है। अब देखिए कितने कम समय, मई मई के बाद आ जाता है जून, तो मुश्किल से ये हो गए 9, 10, 11, मतलब 11-12 दिन के लिए बने होंगे 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होती है उनके बाद। अब देखिए गाइस ये कार्यवाहक थे, ये 12-13 दिन के लिए बन गए, ठीक है। अब देखिए उसके बाद जो बने हैं ना मेन, वो हैं आपके लाल बहादुर शास्त्री, देखिए 1964 से लेकर 66। अब यहाँ पे 66 में इनकी भी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये
1964 से 66 तक रहे, तो ये भी इम्पोर्टेंट नाम आ गया, ये भी इम्पोर्टेंट नाम आ गया। ठीक है, अब देखिएगा इस क्या होता है ना, जो ये कार्यवाहक थे फिर से वही आप देख पा रहे हो कि 66 में ही आपके कुछ जनवरी से जनवरी तक, मतलब ये भी कुछ ज़्यादा दिन नहीं है, 14 दिन की बात रही, 12-13 दिन में, तो गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक बने। अगर इन्हें याद रखना है रखिए, नहीं रखना है तो मत रखिए। तो पहले तो थे आपके ये आपके जवाहरलाल नेहरू, फिर बने आपके लाल बहादुर शास्त्री, उसके बाद देखिए जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद जो बनी है वो है इंदिरा गांधी। अब इस इंदिरा गांधी का, जवाहरलाल नेहरू का याद रखिएगा, इंदिरा गांधी का भी याद रखिएगा। और देखिए इंदिरा गांधी का जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 66 से 77 देख पा रहे हैं, आप पूरा 10 साल का देख पा रहे हैं, यानी कि 2 बार बन गई होंगी। ठीक है, उसके बाद ना इन 77 के बाद देखिए क्या होता है गाइस। हम जानते हैं यहाँ पे बीच में बहुत कुछ हुआ था, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है दो दो बार, 1971-75 में, ठीक है वो हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, हम बार बार इंदिरा गांधी का नाम लेते थे, तो ये रहा उनका टाइम पीरियड। अब जब इंदिरा गांधी की सरकार गिरती है ना गए, क्योंकि उस वक्त लोग परेशान हो जाते हैं इंदिरा गांधी की सरकार से, तो क्या होता है कि जब इनकी सरकार गिरती है तो कांग्रेस की कहानी यहाँ पे थोड़ी सी डगमगा जाती है। अब ठीक है, अब यहाँ पे कौन आते हैं प्रधानमंत्री, मोरारजी देसाई, तो ये एक इम्पोर्टेंट नाम आ जाता है। ठीक है, हालांकि ये जब पूरे 5 साल नहीं रहे ये, ठीक है, तो देखिए 77 से 70, अब ये ना ये यहाँ से बनने लगी है गठबंधन सरकारें। गठबंधन सरकार का मतलब गैस क्या होता है कि दो तीन दल मिलकर एक सरकार बना दें, ठीक है, उसमें से अगर एक भी दल चला जाता है ना तो गैस यहाँ पे सरकार गिर जाती है। ठीक है, तो यही हो रहा था बार बार, तो ये 5-5 साल जो है ना पूरा नहीं कर पा रही थी सरकार। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या, इंदिरा गांधी के बाद आपका इंपॉर्टेंट नाम जो आप याद रखेंगे वो है मुरारजी देसाई का। ये 1977-79 तक रहे, जहाँ पे इन्होंने 44वां संविधान संशोधन किया, आपने बहुत बार देखा होगा यहाँ पे हुआ है, यानी कि जो जो चीज़ें 42वें संविधान संशोधन से गलत लगी हैं उसे 44वें संविधान संशोधन में ठीक कर दिया गया, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद एक प्रधानमंत्री आए थे चौधरी चरण सिंह, देखिए इनका टाइम पीरियड भी देखिए कुछ नहीं है, 1 साल के अंदर ही अंदर ये भी निकल लिए, 1979 से 80 तक का याद रखिएगा बस। हाँ, अब देखिए फिर से इंदिरा गांधी आ गई, देखिए अब ये क्या सरकारें गिरी जा रही हैं गिरी जा रही हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है देश को भी अभी, तो देखिए इंदिरा गांधी आई, फिर उन्होंने अपना टाइम पीरियड पूरा किया है, 1980 से लेकर 84 तक ये रही हैं, फिर वही कांग्रेस की कहानी चल पड़ी। तो देखिए फिर राजीव गांधी आ गए, राजीव गांधी 84 से लेकर 89 तक आ गए। अच्छा, फिर देखिएगा जब ये कांग्रेस की सरकार चलती है तब तो टाइम पीरियड ठीक चलता है 5-5 साल वाला, जैसे ही फिर गठबंधन सरकार आती है तो वीपी सिंह, फिर देखिए 89 से 90 में निकल लिए, फिर है चंद्रशेखर, ये आए 90 से लेकर 91 में, ये भी निकल लिए। फिर आई देखिए कांग्रेस की सरकार, यहाँ पे पी वी नरसिम्हा राव की सरकार आती है जो पूरी 5 साल चलती है, देखिए 1991 से लेकर 96। ठीक है, मतलब जब कांग्रेस आ रही है तो वो 5 साल चल रही है, और जब कोई और आ रही है वो एक एक साल में हट जा रही है। ठीक है, क्योंकि वो बहुमत वाली है तो हट ही जाते। तो गाइस अभी आप जैसे देख रहे हैं ना कि एक तो आपकी जो एनडीए चल रही है, ठीक है, एनडीए अच्छा खासा बहुमत के साथ चल रही है, लेकिन जो बाकी बनेंगे वो गठबंधन वाली बनेगी, तो मतलब सोचने वाली बात है। यहाँ पे आपको कितना प्यारा सा दिख रहा है कि अगर गठबंधन की सरकार आ रही है तो गिर जाती है, मतलब वो नहीं चल पाती, मतलब देश का बेड़ा गरक ही रहेगा, आप बहुमत वाली सरकार ही लाए। ठीक है, तो हम कहाँ चल हाँ ये देखिए पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस की सरकार थी 1991-96 में। ठीक है, लेकिन लोग जो है ना कांग्रेस से थोड़ा सा परेशान होने लगे थे, इसलिए जो और सरकारें आ जा रही थी बीच में। ठीक है, देखिए फिर अटल बिहारी वाजपेयी आता है गाइस, ये भी बहुत ज़्यादा से इम्पोर्टेंट। देखिए पीवी नरसिम्हा राव की सरकार इम्पोर्टेंट थी, वो टाइम इम्पोर्टेंट था जब एलपीजी आया था, लगा था भारत में। ठीक है, और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी का ये वाला टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहा जाता है ना कि जो सबसे कम टाइम के लिए कौन प्रधानमंत्री रहे, तो देखिए गाइस यहाँ मई से जून तक रहे हैं, 1996-1996 में, देखिए 1996-1996 मई के बाद क्या आ जाता है, जून आ जाता है, 16 के बाद, 16 तारीख के बाद अगर आप ऐसे काउंट करिए, 30-31 दिन का, तो 14-15 दिन, और ये 16, मतलब तो कुछ 15-15 दिन की सरकार रही है, मेरे ख्याल से तो 13 दिन की थी, अब यहाँ पे 15 दिख रहा है गाइस। तो मतलब ये सबसे कम टाइम के लिए जो है प्राइम मिनिस्टर रहे अटल बिहारी वाजपेयी जो 1996 में। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर आते हैं ना HD देवेगौड़ा, देखिए फिर वो 1 साल वाली सरकार रही, हालांकि ये वाली तो ऐसी ही गिर गई है ना। फिर उसके बाद देखिए क्या,
96 से 97, फिर आते हैं आई के गुजराल 97 से 98, एक एक साल वाले हैं ये सब। फिर देखिए गाइस, फिर अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ गई। अब देखिए अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरा टाइम पीरियड कंप्लीट कर दिया, यानी कि 1998 से लेकर 2004 तक ये रहे हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। उसके बाद मनमोहन सिंह आते हैं, भैया ये दो बार प्रधानमंत्री इतने में बन गए, 2004 से लेकर 14, 14 के बाद देखिए नरेंद्र मोदी है और अभी तक वही चल रहे हैं, ठीक है। तो गाइस अच्छा, अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही होंगी, मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा है ना, अगर थोड़े स्लो है तो भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और पढ़ाया हुआ अच्छा भी लगे तो भी कमेंट करके बताइएगा, लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अच्छा यहाँ देखिए, वे प्रधानमंत्री जो जो है मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मतलब देखिए चलिए हम इसे इस पर बस ना एक बार नज़र डाल लेते हैं, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था मुझे नहीं लगता है। जैसे एक है मुरारजी देसाई जो प्रधानमंत्री थे, ये बम्बई राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे एक बार। चौधरी चरण सिंह, ठीक है, या अभी अविभाज्य उत्तर प्रदेश में दो बार मुख्यमंत्री रहे हैं, वीपी सिंह भी रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और पीवी नरसिम्हा राव जो है वो आंध्र प्रदेश के थे, एचडी देवेगौड़ा कर्नाटका के, नरेंद्र मोदी गुजरात की, तो सभी जानते हैं। चलो कहानी यहाँ खत्म। अब देखिए यहाँ पे है मंत्रिपरिषद। अच्छा अब वापस चलते, तो गाइस हम पढ़े थे संसदीय सरकार की व्यवस्था, हम पहले पेज पे पेज नंबर वन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने पढ़ा था ये संसदीय सरकार की व्यवस्था, संघ की कार्यपालिका पढ़े थे, हमने राष्ट्रपति पढ़ा, उपराष्ट्रपति पढ़ा, प्रधानमंत्री अभी हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे मंत्री परिषद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिखा है केंद्रीय मंत्री परिषद की संरचना की यहाँ पे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे कौन कौन होता है, जो मंत्री परिषद होती है ना उसमें मंत्री होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका कैबिनेट मंत्री होते हैं, फिर एक होते हैं राज्य मंत्री, अब ये राज्य के मंत्री मत समझिएगा, इन्हें बोला जा रहा है, ठीक है। एक हो गए कैबिनेट मंत्री होते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, फिर आते हैं राज्य मंत्री, फिर आते हैं उपमंत्री। अच्छा राज्य मंत्री में भी दो तरीके के, एक तो कैबिनेट मंत्री जो ये वाले हैं ना इनके सहायक होते हैं, एक होते हैं आपके राज्य मंत्री जो कि स्वतंत्र प्रभार होते हैं, मतलब इनके पास जो डिपार्टमेंट इनको दिए जाते हैं, विभाग दिए जाते हैं, वो उस पर स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करते हैं, मतलब वही उसके चीफ हो गए। और जो ये वाले हैं कैबिनेट मंत्री के सहायक, मतलब इनको बड़े बड़े विभाग दिए जा रहे हैं, उनके नीचे ये उनके सहायक हैं, ठीक है ये बात। और कुछ होते हैं उपमंत्री, चलिए अब इनके बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। नहीं इसमें लिखा है भारतीय लोकतंत्र में संसदीय शासन व्यवस्था का प्रावधान है, ठीक है हमें पता है, जो कि ब्रिटेन की शासन व्यवस्था से प्रभावित है, मतलब ब्रिटेन में भी वैसी थी। क्योंकि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, और उनको सलाह देने के लिए क्या होता है, प्रधानमंत्री एवं उसकी क्या होती है मंत्रिपरिषद। कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति, इनको सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद होती है, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 74(1), ठीक है। इसमें कहा है कि जो आर्टिकल नंबर 74(1) है उसमें क्या प्रावधान है, उसमें है कि जो राष्ट्रपति है ना उसको सलाह या सहायता देने के लिए मंत्री परिषद होगी, और जिसका प्रमुख कौन होता है गाइस, प्रधानमंत्री होता है। ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब मंत्री परिषद में कौन कौन है, अभी हमने देखा कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री होते हैं, ठीक है। पहला पढ़ते हैं कैबिनेट मंत्री के बारे में। देखिए कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं ना, अपने अपने जो विभाग होते हैं ना उसके क्या होते हैं, प्रमुख हैं, ठीक है। ये मंत्री मंत्रिपरिषद का सर्वोच्च सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग, मतलब कैबिनेट मंत्री सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और अपने विभाग, जो भी उनको विभाग दिया जाता है, जैसे रक्षा विभाग हो गया, ठीक है, जैसे विदेश, मतलब जितने भी मंत्रालय होते हैं, ऐसा समझिए मंत्रालय में विभाग जो है इन लोग को दे दिए जाते हैं, तो उसके वो प्रमुख होते हैं। अब कैबिनेट मंत्रियों के पास क्या होता है, महत्वपूर्ण मंत्रालय, जैसे हमने कहा रक्षा मंत्रालय हो गया, या गृह मंत्रालय, यानी कि जैसे होम मिनिस्टर होते हैं, कौन है होम मिनिस्टर, क्या नाम है उनका, मैं भूल गई, ठीक है। वित्त मंत्रालय हो गया, निर्मला सीतारमण है जैसे कि, ठीक है। विदेश मंत्रालय है, ये बड़े मंत्रालय हैं जो किसको दिए जाते हैं, कैबिनेट मंत्री को दिए जाते हैं, ठीक है गाइस। चलिए फिर बहुत सारे और भी मंत्रालय होते हैं जो कैबिनेट, यानी कि बड़े मंत्रालय कैबिनेट मंत्री को दिए जाते हैं। असल का शासन संबंधी गाइस, गृह मंत्रालय कौन, क्या नाम था गए, चलिए गूगल करने का भी टाइम नहीं है गाइस, मैं भूल गई, ठीक है। कितना इंपॉर्टेंट सा नाम है, रोज देखते हैं, ठीक है, याद नहीं आ रहे, चलो कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट, इसमें क्या लिखा है कि शासन संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट मंत्री द्वारा ही लिए जाते हैं, ठीक है। शासन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय हैं वो यही लेते हैं, ठीक है गाइस। यानी कि कैबिनेट मंत्री सबसे इंपॉर्टेंट है ना। फिर इसमें कैबिनेट की अनेक समितियां होती हैं, जैसे कैबिनेट की राजनीतिक समिति होती है, नियुक्ति से संबंधित समिति होती है, रक्षा मामले की समिति होती है, निवेश से संबंधित
समितियाँ आदि बहुत सारी होती हैं। अब देखिए हमने कैबिनेट मंत्री पढ़ लिया, ठीक है, उसके बाद हमारे हैं राज्य मंत्री। तो गाइस मुझे याद आ गया उनका नाम है अमित शाह। अच्छा मुझे याद नहीं आया था, मैंने गूगल किया था। ठीक है, कौन से गृह मंत्री जो हमारे होम मिनिस्टर, ठीक है। अब देखिए राज्य मंत्री में क्या है, राज्य मंत्रियों के अंतर्गत दो प्रकार के मंत्री आते हैं। अभी हमने देखा एक वे मंत्री जो क्या है मंत्रालय मंत्रालय विभाग का स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है, यानी कि इन्हें कोई ना कोई मंत्रालय दिया जाता है उसके वो प्रमुख होते हैं, एक उस टाइप के राज्य मंत्री होते हैं, ठीक है, मतलब छोटे विभाग दे दिए जाते हैं इन लोगों को, ठीक है। तो ऐसे मंत्री जो है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कहलाते हैं, मतलब ये यही जो हमने अभी ऊपर देखा था गाइस ये वाला, यानी कि इनको भी विभाग दे दिए जाते हैं और ये उन विभाग के प्रमुख होते हैं, हालांकि इनको छोटे विभाग दिए जाते हैं और कैबिनेट मंत्री के बाद इंपॉर्टेंट बड़े विभाग होते हैं, जैसे रक्षा विभाग या मंत्रालय आप कहते हैं, गृह मंत्रालय कह सकते हैं आप, विदेश मंत्रालय कहते हैं, तो ये ठीक है। हालांकि ये भी वैसे ही होते हैं लेकिन इनके विभाग थोड़े से छोटे वाले बच्चों वाले होते हैं, ठीक है, बच्चों वाले नहीं होते गाइस, हाँ इनसे थोड़े से छोटे होते हैं, ठीक है। और जो दूसरे अब इनकी बात करेंगे, कैबिनेट मंत्री के सहायक होते हैं जो, चलिए आगे देखते हैं इसमें लिखा है कि क्या लिखा है, हाँ। और जो दूसरे होते हैं वो मंत्री होते हैं जिन्हें किसी मंत्रालय से संबंधित कोई विशेष कार्य सौंप दिया जाता है, अर्थात ये कैबिनेट मंत्री के सहयोगी होते हैं। मतलब सपोज कि कैबिनेट मंत्री जो होता है, मतलब सपोज गृह मंत्रालय उसके जो मंत्री हैं यानी अमित शाह मान लो अभी, तो इनकी हेल्प के लिए मतलब उनके, देखिए कैबिनेट में इस मंत्रालय में बहुत सारे काम है, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, काम होते हैं, तो इनकी हेल्प के लिए जो है ना हम क्या करते हैं, ये राज्य मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं जो कैबिनेट मंत्री के सहायक होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते, सामान्यतः इसने लिखा है राज्य मंत्री कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लेते, यानी कि जब हमारी ना मंत्रिपरिषद की बैठक होती है तो उसमें मोस्टली कौन से मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, जो राज्य मंत्री होते हैं वो इसमें भाग नहीं लेते। हाँ अब ये हमने जो ये वाली बात करी है ना कहीं, ये छोटे ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ये कब भाग लेते हैं कैबिनेट की बैठक में, जब इनके विभाग से संबंधित कोई अगर विषय होता है तो इन्हें लेना पड़ेगा भाग, ठीक है। ये जो दूसरे वाले होते हैं ये तो नहीं ही लेते हैं क्योंकि इनकी इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए अब हमने कहा कि दो तो हो गए, एक हो गया आपका, हमने कह दिया कैबिनेट मंत्री हो गया, राज्य मंत्री, अब उपमंत्री की बात करते हैं, ठीक है, चलिए। तो गाइस उपमंत्री तीसरे स्तर के ये मंत्री जो है विभागों में प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन करते हैं और मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेते। फिर वही वाली बात, ये मंत्रिमंडल की बैठक में भाग ये भी नहीं लेते और जो विभाग होते हैं ना तो उनके प्रशासनिक कार्यों का कार्य करने का काम करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए नोट में क्या लिखा है, इसने कहा मंत्रिमंडल की बैठक में भाग लेने वाले मंत्री कौन होते हैं, आपके कैबिनेट मंत्री होते हैं, जैसे आपके गृह मंत्रालय के जैसे अमित शाह हो गए, ठीक है, मोदी जी तो चलिए ही हैं, ठीक है, निर्मला सीतारमण, बड़े बड़े मंत्री सारे, ठीक है। और राज्य मंत्री कैबिनेट की बैठक में आमंत्रण के बाद जो है भागीदारी करते हैं, स्वतंत्र प्रभार वाले, जैसे मैंने कहा ना कि अगर इनके विभाग से रिलेटेड कोई विषय तो इनको बुला लिया जाएगा। अच्छा इसके अलावा मंत्रियों की एक और श्रेणी भी होती है, जैसे उन्हें बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, संसदीय सचिव बोलते हैं, ये भी मंत्री होते हैं, ठीक है, आइए कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो इसने कहा संसदीय सचिव क्या, देखिए इसमें लिखा है संसदीय सचिव विभिन्न मंत्रियों की सहायता करते हैं, मतलब जितने भी बड़े मंत्री होते हैं जो भी मंत्री होते हैं उनकी हेल्प के लिए होते हैं संसदीय सचिव, इसलिए इनका दर्जा लगभग जो है मंत्रियों जैसा ही होता है, संविधान में निर्धारित मंत्रिपरिषद के आकार का अतिक्रमण ना हो इसलिए संसदीय सचिव को संवैधानिक रूप में मंत्रिपरिषद के समूह में नहीं रखा जाता। मतलब देखिए क्या होता है, इसने कहा मंत्रिपरिषद का आकार ये समझिए, यानी कि मंत्रिपरिषद का एक एक निश्चित आकार होता है, यानी कि एक लिमिटेड मंत्री ही मंत्री बनते हैं, मतलब ये नहीं है 50, 60, 70 बना दिए, नहीं, लिमिटेड, अभी हम इसके बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। मैंने कहा 10 ही मंत्री जो है मंत्री बनेंगे, ठीक है, तो 10 ही होने चाहिए और उसके बाद अगर कोई इनकी हेल्प के लिए भी आ रहा है तो हमने उनको क्या बोल दिया, संसदीय सचिव कह दिया, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है किचन कैबिनेट क्या होती है, इसे बोलते हैं आंतरिक कैबिनेट, ठीक है। देखिए इसने कहा कि 15 से 20 महत्वपूर्ण मंत्रियों को एक लघु निकाय, मतलब इसमें क्या होता है 15 से 20 मंत्री होते हैं, ठीक है, जिसका प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। ये औपचारिक रूप से निर्णय लेने वाली सत्ता का केंद्र बिंदु होते हैं, मतलब जो निर्णय ले रही है सत्ता उसका केंद्र बिंदु होते हैं, कैबिनेट किचन वाले जो मंत्री होते हैं। अब इसमें लिखा है कैबिनेट किचन में कैबिनेट मंत्री के अलावा जो है प्रधानमंत्री के विश्वसनीय सदस्य मित्र और क्या है पारिवारिक सदस्य भी हो सकते हैं। देखिए क्या है, अब ये समझ लेना, ये भी एक मान लेते हैं पूरी मंत्रिपरिषद जैसा ही है, इसमें कौन कौन है,
इसमें देखिए कुछ मंत्री हो गए, कुछ मंत्री तो महत्वपूर्ण मंत्री है ही, हमने कहा 15 से 20 मंत्री हो सकते हैं। अब इसमें ना गाइस, जो आपका प्राइम मिनिस्टर है ना, प्राइम मिनिस्टर जिस पे भी विश्वास करता हो, ठीक है, यानी विश्वसनीय सदस्य, चाहे वो उसका मित्र हो, पारिवारिक सदस्य, किसी को भी इस किचन कैबिनेट में रख सकता है अपनी हेल्प के लिए, उसको कभी सलाह चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो इनसे ले सकता है, लेता है ऑलरेडी, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी यहाँ पे हमने क्या छोड़ा गया, ये छोड़ा है हमने, ये क्या है, मंत्री परिषद का आकार, ये चीज आएगी, आकार वाली बात है ना, ये इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। किचन कैबिनेट इंपॉर्टेंट, 15 से 20 महत्वपूर्ण मंत्रियों का निकाय है ये, इसमें कोई भी विश्वसनीय सदस्य हो सकता है प्रधानमंत्री का, चाहे कोई भी मित्र परिवार से भी कोई भी। अच्छा यहाँ देखिए मंत्री, अब देखिए कहीं कहीं आप सुनते होंगे मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है, कहीं आप उस चीज को मंत्री परिषद देखते होंगे। आप समझते हैं कि ये अलग क्या है, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल अलग क्यों है। देखिए इसमें लिखा है जो मंत्री परिषद, ये समझ लीजिए मंत्रिमंडल एक बड़ा रूप है और इसी में से निकल के आ रही है मंत्री परिषद, ठीक है, मंत्री परिषद में से ही, मंत्रिमंडल में से मंत्री परिषद निकल रही है, ठीक है। अब इसमें लिखा है इसमें मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री, ठीक है। अब देखिए, अच्छा सॉरी गाइस, यहाँ मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, ये बड़ा रूप है मंत्री परिषद, ठीक है, इसमें बहुत सारे मंत्री हैं, ठीक है। अब इसमें से निकल के क्या आ रहा है, मंत्रिमंडल, बैठक किसकी होती है, मंत्रिमंडल की, ना कि मंत्री परिषद की, ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई, ठीक है। मतलब मंत्री परिषद में अभी हमने पढ़ा है कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य और उपमंत्री होते हैं, ठीक है। अब देखिए मंत्रिमंडल में क्या होता है, इसमें केवल कौन से होते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं, यानी कि कैबिनेट मंत्री होते हैं, ठीक है। मतलब कैबिनेट मंत्री क्या है, मंत्री परिषद का ये भाग है, हम जानते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मंत्री परिषद क्या होता है, ये एक बड़ा निकाय है जिसमें 60 से 70 मंत्री होते हैं, ठीक है, और समय और परिस्थितियों के अनुसार प्रधानमंत्री इनके आकार को घटा या बढ़ा सकता है। मतलब जैसा हमें लगता है, प्रधानमंत्री को लगता है समय के साथ, परिस्थितियों के साथ, कि ये मंत्री जो परिषद है उसका आकार बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, मतलब मंत्रियों की संख्या कम भी कर सकता है, ज्यादा भी कर सकता है। अच्छा ये क्या है, एक लघु निकाय है जिसमें कितने मंत्री होते हैं, 15 से 20 मंत्री होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट वाले कैबिनेट मंत्री है, ज्यादा नहीं है, 15 से 20। ये एक निकाय की तरह है, ये सामान्यतः हफ्ते में एक बार बैठक करती है और सरकारी कार्यों के संबंध में निर्णय लेती है। इसके कार्यकलाप सामूहिक होते हैं, मतलब इसने कहा देखिए हफ्ते में एटलीस्ट एक बार तो इनकी बैठक हो ही जाती है, ठीक है, कुछ जो सरकारी कार्य हैं उनसे संबंधित निर्णय लेने का काम करते हैं मंत्रिमंडल। और इसने कहा कि इनका जो कार्यकलाप है ना, जो भी काम करते हैं उसका जो रूप है ना, प्रकृति है, वो सामूहिक है, करेंगे नाम आएगा तो एक का नहीं, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल, ठीक है, उत्तरदायी पूरा का पूरा मंत्रिमंडल होगा किसी भी काम के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सरकारी कार्यों हेतु एक साथ बैठक नहीं करती है, इसका कोई सामूहिक कार्य नहीं है, ठीक है, वही इसकी इसका ऑपोजिट बात यहाँ लिख दी कि ये एक साथ बैठक नहीं करती है, इसकी कोई सामूहिक कार्य इसका नहीं है। अच्छा फिर लिखा है ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मतलब हमने कहा कि अगर हम बात करें तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं मंत्री, लेकिन सामूहिक रूप से सब एक साथ। ये मंत्री परिषद की जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी को लागू करती है, मतलब ये भी वही है, सामूहिक रूप से मंत्री लोकसभा के लिए के प्रति जो जिम्मेदार होंगे, उत्तरदायी होंगे। अच्छा इनके कार्यों का निर्धारण मंत्रिमंडल करती है, कि मतलब मंत्री परिषद क्या काम करे इसका निर्धारण कौन कर रहा है, मंत्रिमंडल, कैबिनेट मंत्री। ये मंत्री परिषद को राजनीतिक निर्णय लेकर जो है निर्देश देती है और ये निर्देश सभी मंत्रियों पर बाध्यकारी होते हैं। मतलब ये क्या करती है, कुछ निर्देश देती है किसको, मंत्री परिषद को, और ये जो निर्देश होते हैं ना सभी मंत्रियों के लिए क्या होते हैं, बाध्यकारी, ठीक है। अब देखिए संविधान के आर्टिकल 74 और 75 में इसका वर्णन किया गया है, किसका, मंत्री परिषद का, और ये क्या है, एक संवैधानिक निकाय है। क्या, मंत्री परिषद क्या है, एक संवैधानिक निकाय। अच्छा संविधान के मूल भाग में इसका वर्णन नहीं था, मतलब जो संविधान बनता है तब हम मंत्रिमंडल जैसा कुछ नहीं था, बल्कि ये कब आता है, जब 44वां संविधान संशोधन आता है, ठीक है, तो उस तब क्या होता है, जो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है 1978 में, तब इसमें आर्टिकल 352 को जोड़ा गया, ठीक है, तब ये आता है मंत्रिमंडल, ठीक है गाइस। अब हमने कहा था आर्टिकल, अभी हमने जब मंत्रियां मंत्री नहीं प्रधानमंत्री देखे थे गाइस,
तो हम ये जो 44वां संविधान संशोधन की कहानी मैंने आपको बताई है, मैंने कहा इंदिरा गांधी रही हैं तब परेशान हो गए, उसके बाद जो सरकार आती है मुरारजी देसाई, ठीक है, उस टाइम की ये बात है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम पहुंच गए अब यहाँ पे संवैधानिक प्रावधान में, मंत्री परिषद हम पढ़े, मंत्रिमंडल पढ़े, जो भी मंत्री परिषद कर रहे हैं। ऐसे का आर्टिकल 74 क्या कहता है कि राष्ट्रपति की हेल्प के लिए या उसकी उसको सलाह देने के लिए हमारे पास क्या होती है, एक मंत्री परिषद होती है, ठीक है। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, ये आर्टिकल याद रखिएगा गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति जो है मंत्री परिषद के परामर्श के अनुसार क्या करता है, काम करता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, यह हमने पढ़ लिया है, राष्ट्रपति में भी हमने पढ़ा था। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच किसी भी न्यायालय में नहीं होगी, ठीक है। मंत्री जो भी सलाह दे उसकी जांच नहीं होगी कहीं पे भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वो हमने पढ़ लिया आर्टिकल नंबर 74 की, राष्ट्रपति को सलाह सहायता के लिए कौन होता है, मंत्री परिषद। 35 क्या कहते हैं, मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध की बात कर लेते हैं। देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, और अन्य मंत्री जो बाकी मंत्री हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन किसकी हेल्प से या किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, ठीक है। मतलब इसने कहा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करने वाला काम कौन कर रहा है, राष्ट्रपति कर रहा है, लेकिन हेल्प किसकी ले रहा है या सलाह किसकी ले रहा है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कहता है भैया इस आदमी को जो है आप मंत्री बना दीजिए, तो राष्ट्रपति बना देता है। अच्छा मंत्री परिषद के सदस्य, हाँ अब देखिए फिर इसने कहा मंत्री परिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। हाँ अभी हमने कहा था ना, अभी मैंने ऊपर लिखा था कि मंत्री परिषद का आकार, ठीक है, आकार मतलब कि मंत्री परिषद में कितने मंत्री होंगे। तो देखिए देखिएगा इसके, इसने कहा लोकसभा में जितने भी सदस्य हैं उसके 15%, ठीक है, होंगे मंत्री, ठीक है। और देखिए अब ये चीज बाद में ऐड हुई है, ठीक है, कब ऐड हुई है, जब 91वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है 2003 में, तब ये बात ऐड हुई है कि लोकसभा में जितने भी सदस्य हैं उसका सिर्फ 15% ही मंत्री परिषद में मंत्री हो सकते हैं, प्रधानमंत्री भी इसी 15% में शामिल है, ठीक है। क्यों, इससे पहले क्या होता था ना गाइस कि किसी को अपने दल में करने के लिए लालच दे दिया, किसी सपोज किसी सदस्य को अपने दल में करने के लिए लालच दे दिया कि आप हमारे दल में आ जाइए हम आपको मंत्री बना देंगे, तो ऐसे तो दुनिया भर के मंत्री बन सकते थे, ठीक है। लेकिन जब ये लिमिट लगा दी भैया इससे ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते, तब बस मजा आ गया। चलिए यहाँ पे लिखा है एक है दल बदल के आधार पर संसद सदस्य की अयोग्यता की स्थिति में मंत्री पद के लिए भी वह मंत्री अयोग्य हो जाता है, ठीक है। दल बदल क्या होता है इसकी, कोई जो मंत्री मंत्री मान लीजिए या फिर आप सदस्य मान लीजिए अपना दल छोड़ के दूसरे दल में चले जाते हैं, दो दल बदल। तो दल बदल के आधार पर इसने कहा कि जो संसद सदस्य है ना उसकी अयोग्यता की स्थिति में, ठीक है, दल बदल अगर करते हैं तो उसमें क्या है मंत्री पद के लिए भी वे क्या हो जाता है, वे मंत्री अयोग्य हो जाते हैं। अगर आप अपना दल बदल करते हैं तो आप मंत्री नहीं बन सकते। अच्छा यहाँ पे लिखा है कि राष्ट्रपति, क्योंकि वही मैंने अभी जो बात करी ना कि इनने कहा कि आप हमारे दल में आ जाइए हम आपको मंत्री बना देंगे, तो भैया ये कहानी ही खत्म कर दी। इनने कहा भैया अगर आप इस तरह से दल बदल करके आएंगे हम मंत्री मंत्री के लिए आप योग्य है ही नहीं बनने के लिए। अच्छा राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है, और ये मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करते हैं। मतलब इन्हें कहा मंत्रियों को शपथ दिलाने का काम कौन करता है, कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं, कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं, और ये जो मंत्री है ना वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। इसका मतलब राष्ट्रपति जब चाहे इनको हटा सकता है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, जैसे मैं एक बात कह रही हूँ कि ये प्रसाद पर्यंत का यही मतलब है, राष्ट्रपति इनको हटा सकता है कभी भी। अच्छा इसमें लिखा है संसद सदस्य ना होने की स्थिति में नियुक्ति नियुक्त किए गए मंत्री को 6 महीने के अंदर किसी भी सदन का सदस्य होने की अनिवार्यता है, अथवा वह इस अवधि के उपरांत मंत्री नहीं रहेगा। मतलब अब इसने कहा हम मंत्री परिषद बना रहे हैं तो ये है हमारे प्रेसिडेंट बैठे, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, और ये बैठा है कोई एक बंदा, ठीक है, जो अभी ना लोकसभा का सदस्य है ना राज्यसभा का सदस्य है। अब क्या करा ना, प्रेसिडेंट ने बोला प्राइम मिनिस्टर, सॉरी प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट से बोला, जो प्रधानमंत्री, उन्होंने राष्ट्रपति से बोला भैया इस ये जो बंदा है ना इसको आप मंत्री बना दीजिए। तो राष्ट्रपति ने कहा ठीक है बना देते हैं। चलो अब ये बंदा बन गया मंत्री। अब लेकिन ये जो बंदा मंत्री बन गया ना, ना लोकसभा का सदस्य था ना राज्यसभा का, फिर भी प्राइम प्रेसिडेंट ने इन्हें मंत्री बना दिया। हाँ कहा कि भैया आप मंत्री तो बन गए, लेकिन एक बात
आपके ऊपर एक वो है कि आप अगले 6 महीने में किसी भी सदन की, मतलब लोकसभा या राज्यसभा में से किसी भी सदन की आप क्या करिए, सदस्यता हासिल करने की कोशिश करिए। अगर आप 6 महीने के अंदर ये काम नहीं कर पाते तो जो आपको मंत्री बनाया गया है उस पद से आपको हटा दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब आर्टिकल 88 क्या कहता है? 88 कहता है कि सदन, सदन में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार की बात कर लेते हैं। सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा में मंत्री जो है, ये हमारे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री जो होते हैं उनके अधिकार। और जो ये महान्यायवादी बनता है, समझ लीजिए ये सरकार का वकील है। ठीक है, तो इन दोनों के अधिकारों की बात करते हैं लोकसभा राज्यसभा में। तो इसने कहा जितने भी मंत्री हैं और जो ये महान्यायवादी है उसके पास किसी भी सदन में बोलने, कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है। मतलब कि चाहे वो ये चाहे लोक कोई मंत्री है, सपोज ये, ठीक है, ये लोकसभा का सदस्य है। अब इस पे ना इतना अधिकार है कि वो जाके ना राज्यसभा में जो है बोल सकता है, कार्रवाई में भाग ले सकता है। मतलब कोई भी मंत्री और कोई भी महान्यायवादी, इंपॉर्टेंट बात है गाइस, ये क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार कि वो बंदे बताओ जो लोकसभा का सदस्य होते भी राज्यसभा में बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, कौन होते हैं? तो गाइस वो मंत्री होते हैं। और भैया ये तो कई ना लोकसभा का सदस्य है ना राज्यसभा का सदस्य, फिर भी बैठ जा रहा है किसी ना किसी बैठक में नहीं, मतलब सदन की कार्रवाई में बैठ जा रहा है। ठीक है, भाग ले ले रहा है, बोल ले रहा है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई, ये पूरा पैराग्राफ ही इंपॉर्टेंट हो गया, क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। उसे संसद, मतलब जो मंत्री है महान्यायवादी, उन्हें संसद की संयुक्त बैठक जो होती है ना, जिसमें लोकसभा के और राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं, उसमें संसदीय समिति में जिसका उसे सदस्य बनाया गया हो कि बैठक में भाग लेने का भी अधिकार है। मतलब इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अभी लगा मंत्रियों का उत्तरदायित्व क्या है? तो गाइस अब मुझे लग रहा है वीडियो हो गया काफी बड़ा। चलिए फिर क्या है ना, अब जो है ना राज्य की कार्यपालिका स्टार्ट होगी, उससे पहले ये सब खत्म ही कर देते हैं क्योंकि अब अच्छा नहीं लगेगा दूसरे वीडियो में इसको लाना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मंत्रियों का उत्तरदायित्व देख लेते हैं। तो इसमें दिखा है पहला, इसमें लिखा है सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, कुछ व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी होता है और विधिक उत्तरदायित्व भी होता है। तो जो अगर सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करें तो जो मंत्री है ना वो लोकसभा के प्रति जो होता है सामूहिक उत्तरदायित्व होता है इनका, मतलब एक साथ उत्तरदायित्व होता है, एक एक मंत्री का अलग अलग नहीं होता, जितने मंत्री हैं सबका सामूहिक उत्तरदायित्व होता है लोकसभा के प्रति। हाँ, अगर किसी आप बड़ाई करेंगे तो आप पूरे मंत्रिपरिषद की करेंगे, मंत्रिमंडल की करेंगे, आप बुराई करेंगे तो पूरे मंत्रिमंडल की करेंगे या मंत्रिपरिषद की करेंगे। अभी होता है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की बात करते हैं, तो मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के प्रति होता है। ठीक है, जैसे इनका क्या है लोकसभा के प्रति था, तो यह व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? राष्ट्रपति, आर्टिकल 75(2)। ये वैसे कोई नहीं पूछ रहा, 75(2), वही समझिए कि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व जो है राष्ट्रपति के प्रति होता है। अब है विधिक उत्तरदायित्व, तो इसमें कहा भारत के मंत्री का कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं होता है। अच्छा, ब्रिटेन में इस प्रकार की व्यवस्था है, ठीक है, भारत में नहीं है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है मंत्रिमंडल की शक्तियां, उनके कार्य की बात करते हैं। देखिए राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रीय नीति के निर्धारण में मंत्रिमंडल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी राष्ट्रीय नीति बनाने में मंत्रिमंडल की भूमिका होती है। कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग व्यवहारिक रूप में मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है और कार्यपालिका पर नियंत्रण भी मंत्रिमंडल करती है। तो बस यही है, कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल कर रही है, इस पर नियंत्रण कौन कर रहा है? मंत्रिमंडल कर रही है। मंत्रिमंडल में कौन होता है गाइस? जो हमने कहा कैबिनेट मंत्री। अच्छा, मंत्रिमंडल के परामर्श से ही संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति सदस्यों को क्या करता है? मनोनीत करता है। देखिए हम जानते हैं जो हमारी लोकसभा राज्यसभा में है उसमें कुछ सदस्य नहीं, बहुत सारे सदस्य तो निर्वाचित होते हैं, यानी कि जो वोट जिनको हम वोट देते हैं और वो पहुंच जाते हैं, ठीक है, लोकसभा में, वैसे ही राज्यसभा में भी आते हैं। और कुछ मनोनीत होते हैं, यानी किसी को भी बना देते हैं जो अपनी फील्ड में अच्छा काम करता है। तो वो किसकी सलाह, वो कौन करता है ये काम? मनोनीत करने का काम करता है राष्ट्रपति, लेकिन किसके परामर्श पे करता है? मंत्रिमंडल के परामर्श पे, जो ये मंत्री होते हैं इनकी हेल्प पे करता है। ठीक है, इनके परामर्श से करता है। अब इसने कहा कि मंत्रिमंडल के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा क्या करा जाता है? अध्यादेश के बारे में हमने पढ़ा था, तो इसमें भी जो है राष्ट्रपति हेल्प लेता है, परामर्श लेता है मंत्रिमंडल की, ठीक है, अध्यादेश जारी करने में। अब इसने कहा मंत्रिमंडल द्वारा देश की आर्थिक नीतियों का निर्धारण किया जाता है, जैसे बजट का निर्णय हो गया, निर्माण हो गया, या करों का अध्यारोपण हो गया। ठीक है, ये भी
कौन कर रहा है? मंत्रिमंडल कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का महान्यायवादी, इंग्लिश में भी याद रखिएगा गाइस, इसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, चाहे आप हिंदी मीडियम के ही क्यों ना हो। ठीक है, तो संविधान का आर्टिकल 76, उसके अंतर्गत क्या होता है? भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान है। यानी महान्यायवादी की बात कहाँ लिखी है? आर्टिकल 76 में। ठीक है, अब इसमें राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये अपने पद पर रहता है। मतलब राष्ट्रपति जब चाहे इन्हें हटा सकता है। सी समझिए कि राष्ट्रपति जिस जिसकी नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करता है। ठीक है, ये देश का क्या है? सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। हम कहते हैं ना, ये सरकार का वकील होता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जो योग्यता होती है वो इसकी होती है। अच्छा, ये भारत सरकार को विधि मामले में ऐसे विषयों पर सलाह देता है जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों। ठीक है, विधि मामले में भारत सरकार को सलाह देता है। क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करता है, इसके कार्यकाल की कोई निश्चित अवधि नहीं है। मतलब हम ये नहीं कह सकते अगले 5 साल तक रहेगा या 6 साल तक रहेगा, 7 साल तक रहेगा। हाँ, जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक रह लेगा। भाई ये होता है कि सरकार जब दूसरी आती है तो ये भी चेंज हो जाते होंगे, नहीं भी होते हैं ऐसा नहीं है। देखिए, अब इसमें लिखा है कि शक्तियां, देखिए अब महान्यायवादी की, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, भारत की किसी भी अदालत में ये सुनवाई का अधिकार रखता है। मतलब कहीं पर भी जाके बैठ सकता है किसी भी अदालत में। अरे, संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा राज्यसभा हो गया, समितियों में जा सकता है, अभी हमने बात करी थी। ठीक है, तो हाँ, ये मतदान जैसे होता है ना, लास्ट में मतदान होता है, वोटिंग राइट्स होते हैं, तो वो इसको नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब आप सदन में जाके बैठ सकते हैं, बात कर मतलब बैठ सकते हैं, सुनवाई कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं करेंगे आप। महान्यायवादी को संसदीय विशेषाधिकार अर्थात सांसदों को मिलने वाले अधिकार मिलते हैं। मतलब जो सांसद होते हैं ना, MPs होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, इनके पास जो अधिकार होते हैं वही जो है ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास भी रहते हैं। अब देखिए, कार्यकाल की समाप्ति की बात करते हैं, तो हमने कहा राष्ट्रपति इसे हटा देगा, हटाता है। ठीक है, ये त्यागपत्र भी दे सकता है। किसको देगा? इंपॉर्टेंट बात, राष्ट्रपति को देगा। सरकार द्वारा क्या है? त्यागपत्र देने पर, अगर सरकार त्यागपत्र दे देती है, हमने कहा लोकसभा, अगर सरकार मतलब जो भी सरकार है हमारी, अगर वो त्यागपत्र दे दे तो बंदा जो है हट जाएगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी गायब, मतलब उसकी भी, उसके पद की भी समाप्ति हो जाएगी। तो गाइस, अब यहाँ लिखा है राज्य की कार्यपालिका। ठीक है, ऊपर चलते हैं हम थोड़ा सा और ज़्यादा ऊपर, और ऊपर पर ऊपर ऊपर बहुत नीचे गए सब। हाँ, तो देखिए, हमने कहा संसदीय सरकार की व्यवस्था में हमने क्या करा था? संघ की कार्यपालिका में हमने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इन सब की बात कर ली। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो से करेंगे गाइस, हम राज्य की कार्यपालिका की बात करेंगे, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता, इनकी बात करेंगे। ठीक है, चलिए ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताया करिए आपको वीडियो कैसी लगती है। चलिए यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आगे की पार्ट के संग। तब तक के लिए धन्यवाद।